दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रॉग काटना सिखाएंगे बच्चों का, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों का। जैसे कि आप ये नाप देख रहे हैं, 21, 24, 20। बहुत ही आसान टिप्स में बताएंगे दोस्तों, 2-3 टिप्स में बताएंगे, आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई 21 इंच है, तो सबसे पहले लंबाई का हिसाब लेंगे हम। लंबाई 21 इंच है और ये चेस्ट इसका 24 इंच, कमर है 20 इंच। तो हम एक फार्मूले के हिसाब से लेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 5 और 9 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर अपने हिसाब से रखेंगे, जैसा कि बच्चे के हेल्थ के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों अब मैंने आपको दिखाया चेस्ट 24 इंच है, 24 × 3 = 27 हो गया, 13.5 रखेंगे, 24 × 22 = 23, तो 11.5 रखेंगे इसको। अब शोल्डर अपने हिसाब से रखेंगे, जो भी शोल्डर आप रखना चाहे। हम 9 इंच रखते हैं, ये हो गया 9 इंच, 13.5 इंच, 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बहुत ही आसान टिप्स है, आप बहुत आराम से घर पे अपने सीख सकते हैं। आपके पास अगर 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर कपड़ा हो तो आप आराम से इसको आप सीख सकते हैं। ये दावन है, दावन पे हल्का सा निशान लगा के ये यहां से राउंड कर देंगे पूरा अपने हाथों से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और उसके बाद फिर यहां से सीधा कर देंगे, जितना आपको घेरा चाहिए, जितना घेरा चाहिए आप यहां तक घुमाते जाइए। बहरहाल हम कम घेरा चाहिए तो हम कम पे निशान लगाएंगे। ये हो गया देखिए निशान, अब यहां से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये 1.5 या 1.25 इंच में निशान लगा देंगे, क्योंकि यहां से गला कटना है। इसको बराबर काटेंगे, खट्टी नहीं निकालेंगे, बराबर काटेंगे, क्योंकि फ्रॉक है, बच्चों में कोई खट्टी होना नहीं है। ये हो गया। अब गला अपने हिसाब से निकाल दीजिए जो भी हो। ये देखिए ये कट गया अम्ब्रेला फ्रॉक, बहुत ही आसान टिप्स में। अब आप बाजू निकाल दीजिए, ये मोड़ वाला हिस्सा है, बाजू अपने हिसाब से जो भी रखिए, 4 इंच 5 इंच, हम 4.5 इंच रखते हैं। कलाई मोड़े इसके अंदर 4 इंच रखते हैं। आर्मोल 6.5 इंच, जैसा कि आर्मोल उसमें है उस हिसाब से रखेंगे और सीधा निशान लगा लेंगे। ये हो गया बाजू। दोस्तों ये देखिए अम्ब्रेला, छोटे बच्चों का अम्ब्रेला है ये अम्ब्रेला फ्रॉक, और ये इसकी बाजू हो गई। एकदम सिंपल तरीके का अम्ब्रेला है। अब इसमें हम आपको सिलकर बताएंगे कि किस तरह से ये अम्ब्रेला बनता है, बहुत ही आसान तरीके से, बस 5 से 10 मिनट में आपको सिलकर बता देंगे। और इसमें आप चुन्नट भी लगा सकते हैं, चुन्नट वाला भी तरीका बताएंगे आपको, चुन्नट वाली वीडियो भी बना के आपको बताएंगे आगे की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग की पट्टी लगाएंगे और एक स्मूथ पट्टी लगाएंगे
जिसे गले में सुंदरता है। अक्सर गोली पट्टी लगाई जाती है, गोली लगाएंगे। गले में चौड़ी भी पट्टी लगाई जाती है, पाइपिंग भी लगाया जाता है, दोनों टाइप का है, जैसा आप सिलना चाहें। और ये बैक वाला और फ्रंट वाला हिस्सा हम सिलेंगे, ऊपर वाला कंधे से। बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। कंधे को सिलने के बाद अब हम बाजू सिलेंगे। बाजू की पहले सिलाई कर लेंगे, मोड़ी की पहले सिलाई कर लेंगे। अब हम बाजू को बॉडी पे रख के सिलेंगे, आर्म होल पे रख के बाजू पे डायरेक्टली सिलाई चलाएंगे, जैसे आमतौर पे किया जाता है। सूट बनाएंगे, फ्रॉक बनाएंगे या कोई भी सूट हो, डायरेक्टली आप सिल सकते हैं। हल्का हल्का नम देके सिलेंगे। नीचे वाला लूज देंगे, ऊपर वाला टाइट करेंगे। अब हम आस्तीन से लेके कमर तक सिलाई करेंगे। ये आस्तीन है, आस्तीन से हम आस्तीन की सिलाई करेंगे, फिर चेस्ट की, फिर कमर की। दोनों साइड को अच्छी तरह से सिल लेंगे।
और अब हम दामन को सिलेंगे। अच्छी तरह सीधा करके दामन की सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान टिप्स में है, मुश्किल से 5 मिनट में आप सीख लेंगे। ये मैंने सिंपल और सरल तरीका आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको झालर वाला फ्राक सिलना बताऊंगा, कली वाला बताऊंगा, बीच से कली लगा के बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं। और ये हो गया तैयार हमारा फ्रॉक।